अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अब्दुल रहमान एंड यू आर वाचिंग स्टडी वाली क्लास। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक ये है कि व्हाट इज़ फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड व्हाट आर देयर यूनिट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं वो हम फिज़िक्स में उनको कैसे डिफाइन करते हैं। तो फिज़िकल क्वांटिटी होने के लिए जो है वो दो जो है ना उसके लिए प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, करेक्टली मेजर्ड हो, ठीक है, यानी कि उस क्वांटिटी को हम जो है वो मेजर कर सकें, यानी कि अपने जो टूल्स और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके थ्रू जो है ना हम उनको मेजर कर सकें, फर्स्ट थिंग। और जो सेकंड ये है कि हैव फिज़िकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। अगर हम फिज़िकल सिग्निफिकेंस को देखें तो इस डायग्राम में अगर हम देखें तो डिस्टेंस और टाइम का अगर हम ग्राफ बनाएं, ठीक है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंडर अगर हम ये इस एरिया को अगर हम देखें तो एरिया जो है वो डिस्टेंस इनटू टाइम होगा, ठीक है। डिस्टेंस इनटू टाइम की जो यूनिट है वो मीटर सेकंड है, लेकिन ये मीटर सेकंड किसी क्वांटिटी की यूनिट है, लेकिन वो जो क्वांटिटी है उसकी कोई फिज़िकल सिग्निफिकेंस नहीं है। इसी वजह से हम उस क्वांटिटी जिसकी जो यूनिट है मीटर सेकंड है उसको हम फिज़िकल क्वांटिटी ही कहते हैं, क्योंकि उसकी जो है वो एक्यूरेटली मेजर तो होगी लेकिन जो है वो उसकी फिज़िकल सिग्निफिकेंस नहीं है। इसी वजह से जो फिज़िकल क्वांटिटी है उसकी एक्यूरेटली मेजर होनी चाहिए और फिज़िकल सिग्निफिकेंस भी होनी चाहिए। फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं जनरली उनकी दो टाइप्स होती हैं, ठीक है, एक बेस क्वांटिटीज़ होती हैं और ड्राइव क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम इनकी टाइप्स को अगर हम देखें तो जो फर्स्ट जो टाइप थी वो बेसिकली बेस क्वांटिटी थी। इस बेस क्वांटिटी में हम देखें तो जो बेस क्वांटिटी है वो यूज़ होती है टू डिफाइन अदर क्वांटिटीज़, यानी कि जो बेस क्वांटिटी है वो एक बेस है, यानी कि वो बेस जिसके तहत दूसरी क्वांटिटीज़ डिफाइन होती हैं उन्हें हम बेस क्वांटिटी कहते हैं। इसी वजह से बेस क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटी भी कहते हैं। बेस क्वांटिटी 7 है, इन 7 क्वांटिटीज़ के बेसिस पर हम अदर क्वांटिटीज़ को डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड जो टाइप ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी वो ये है कि ड्राइव क्वांटिटी, यानी कि ड्राइव क्वांटिटी का मतलब कि डिफाइन इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़, यानी कि वो क्वांटिटीज़ जो कि बेस क्वांटिटी के टर्म्स में हम डिफाइन करते हैं उन्हें हम ड्राइव क्वांटिटीज़ कहते हैं, क्योंकि वो बेसिकली बेस क्वांटिटी से ड्राइव होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद ये है कि इनके जो नंबर हैं वो वेरी लार्ज हैं, क्योंकि ये बेसिकली बेस क्वांटिटी के टर्म्स में डिफाइन होते हैं, तो इनके नंबर कोई स्पेसिफिक नहीं है, वेरी लार्ज इन नंबर है, ठीक। एमसीक्यूज़ अगर हम देखें तो इन सिस्टम इंटरनेशनल नंबर ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी, यानी कि फिज़िकल क्वांटिटी के जो नंबर है वो हम देखते हैं तो जो नंबर जो है वो 3, 2, 7 या फिर वेरी लार्ज, तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है वो डेल्टा वेरी लार्ज है, यानी कि फिज़िकल क्वांटिटी का हमने नंबर की बात की है, हमने टाइप की बात नहीं की। तो आपने जो है वो अगर कोई इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा जो है ना वो सोच समझ के, क्योंकि जो है ना एक वर्ड को चेंज करके पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज होता है, ठीक है। तो नंबर जब आएगा तो नंबर ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी सिस्टम इंटरनेशनल में वेरी लार्ज है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम एमसीक्यूज देखें तो इन सिस्टम इंटरनेशनल टाइप्स काइंड्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी, फिज़िकल क्वांटिटी की जो टाइप्स या फिर काइंड्स की अगर बात करें तो 2, 7, 3 वेरी लार्ज, तो जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बीटा बनता है, यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल में अगर हम टाइप्स की बात करें तो वो 3 है। हमने अभी तक जो है वो बेस क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी की बात की है, लेकिन एक और जो है वो टाइप होती है उसका हम कहते हैं प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी, उसका नाम है, ठीक है। तो ये बेसिकली फिज़िकल क्वांटिटी की थर्ड टाइप है जिसे हम कहते हैं प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी। इसकी आगे जो है ना दो टाइप्स हैं, सब टाइप्स हैं, जो फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये है कि प्लेन एंगल, और जो सेकंड टाइप है वो सॉलिड एंगल, ठीक है। प्लेन एंगल जो है वो हम टू डायमेंशनल के लिए यूज़ करते हैं, बेसिकली ये 2D है, और जो सॉलिड एंगल है वो 3D के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये था कि जो हमारे पास 3 टाइप्स थी किसकी, फिज़िकल क्वांटिटी की अंडर दी सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। उसके बाद जो ऐसे यूनिट्स डराइव्ड यूनिट है, ठीक है, बेसिकली इस यूनिट को हम डराइव्ड क्वांटिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं, सही हो गया। और जो थर्ड टाइप है फिज़िकल क्वांटिटीज़ की जो यूनिट्स जो स्पेसिफाई की उनकी अगर हम बात करें तो वो बेसिकली जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स हैं उनकी 3 टाइप्स हैं,
जो फर्स्ट टाइप है वो बेस यूनिट है, ठीक है। बेस यूनिट जो है वो हम बेस क्वांटिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो सेकंड जो टाइप है SI यूनिट्स की, वो है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स को हम जो है वो प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बेस क्वांटिटी, तो बेस क्वांटिटी इन में से कौन सी नहीं है। अगर हम ऑप्शन देखें तो मोल, टेम्परेचर, करंट एंड नन ऑफ द अबव, तो हमें जो है वो बताया हुआ है कि कौन सी बेस क्वांटिटी नहीं है। तो इसमें जो राइट जो ऑप्शन है वो मोल है। मोल बेसिकली जो है वो एक बेस क्वांटिटी नहीं है, बल्कि जो है ना वो एक बेस यूनिट है, ठीक है। तो आपने जो है वो बेस यूनिट्स और जो क्वांटिटीज़ हैं और उनकी जो हमारे जो लेटर्स हैं, ठीक है, सिंबल्स हैं, वो सबको अच्छे तरह से याद रखने हैं, जो कि 7 के 7 है। उसके बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट जो MCQs है वो ये है कि विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ अ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कौन सी है, तो रेडियन, प्लेन एंगल, स्टेरेडियन नॉट एग्जिस्ट। तो सप्लीमेंट्री जो क्वांटिटी है वो बेसिकली एग्जिस्ट नहीं करती। हमने कहा कि जो क्वांटिटी, जो थर्ड टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है, वो प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी है और इसकी जो यूनिट्स हैं वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। तो इसका मतलब है कि प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी है और उस क्वांटिटी के जो यूनिट्स हैं उन्हें हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं।